नमस्कार स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग कोवरा पोस्ट में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह खबरों का काफिला आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं हम देश के बड़े अखबार हैं उनके एक्सक्लूसिव खबरें हैं और साथ ही साथ सारी सुर्खियां आपके सामने इस वक्त हैं अगले महज कुछ मिनटों में आप देखेंगे देश की बड़ी सुर्खियां बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें पिछले चौबीस घंटे में देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ इसका हाल हम बताएंगे आपको लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी यानी आप पार्टी फ्लिप टू आप सुप्रीम कोर्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड है पावर्स। कल आम पार्टी को लेकर सुदेश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है सरकार ने कहा है कि जिस सरकार को लोगों ने चुनकर ऊपर तक पहुंचा है ऐसी निर्वाचित सरकार को काम करने की शक्तियां मिलनी चाहिए उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों की लड़ाई को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी टकराव पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए अन्यथा वो कोई काम ही नहीं कर पाएगी आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद गहराता जा रहा है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की खासी कमी नजर आ रही है और इसका पूरा असर काम पर पड़ रहा है हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वो नहीं हो सकते और ऐसे में वही अरविंद केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को ठीक तरह से काम किया जा सके उन पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा इससे पहले आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ महीनों पहले कहा था कि दिल्ली का जो बॉस है वो एलजी होंगे यानी कि नजीब जंग होंगे और सरकार उनकी बिना इजाजत के कोई काम नहीं कर सकती ऐसे में आम आदमी पार्टी खासी तनाव में थी लेकिन अब पार्टी का तनाव काफी दूर हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो सरकार चुनकर पहुंची है उसे काम करने की शक्ति मिलनी चाहिए और आपको बता दें कि कल का दिन आम आदमी पार्टी के लिए काफी खुशियों का दिन रहा क्योंकि कल मंडी निकाय चुनाव के नतीजे आए जिसमें कि दिल्ली की अठारह में से सत्रह सीटों पर चुनाव हुआ था और उनमें से चौदह सीट पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली और ये तमाम वो सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था तो एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया जीत का और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से जब साथ मिला तो खुशी दोगुनी हो गई अगली खबर का रुख करते हैं हिंदुस्तान है, राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल एक बड़ा सवाल खड़ा किया है उन्होंने कहा है कि जब मैं बोलूंगा तो मोदी का गुब्बारा फूट जाएगा मेरे पास मोदी के निजी करप्शन को लेकर तमाम सबूत हैं इसीलिए मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता जिस दिन चाहूंगा पीएम को एक्सपोज कर दूंगा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी पर सीधे पीएम को घेर लिया कहा भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं मैं बोलूंगा तो पीएम का गुब्बारा फूटेगा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को नोटबंदी के मुद्दे को लेकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला राहुल ने पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो पुख्ता सबूतों को संसद में रखेंगे तो मोदी का गुब्बारा फट जाएगा उधर भाजपा ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष से माफी मांगने को कहा है उन्होंने कहा है कुछ एक मंत्रियों का तो यह भी कहना है कि राहुल जितना बोल रहे हैं उतना ही ज्यादा कांग्रेस एक्सपोज हो रही है वो पीएम को क्या एक्सपोज करेंगे तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर और है उस पर बाद में रुक करेंगे पर फिलहाल अभी बात चल रही है नोटबंदी के बाद के हालातों की तो दूसरी खबर का रुख करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का गो एक्सप्रेस एटलीस्ट वंस नेक्स्ट वीक से सेंट प्रूफ हरियाणा गवर्नमेंट टेल्स इस स्टाफ देखिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और साथ ही साथ केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है ऐसे में दोनों सरकारों के बीच कितना अच्छा तालमेल है यह आपको इस खबर से मिल जाएगा देखने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा है कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार कैशलेस जरूर होइए कुछ ऐसा काम जरूर कीजिए कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन कीजिए जिससे कि आप अपने ये कह सके कि आपने डेबिट कार्ड से खरीदा है एटीएम कार्ड से खरीदा है क्रेडिट कार्ड से खरीदा है या फिर आपने उसका जो पेमेंट किया है वो किसी दूसरे कार्ड से किया है प्लास्टिक मनी से किया है ऑनलाइन डिस्काउंट कीजिए ऑनलाइन uh, बैंकिंग का इस्तेमाल कीजिए लेकिन एक बार कुछ ऐसा जरूर करें कि आप भी कैशलेस इकोनॉमी का हिस्सा बन सके और उसका प्रूफ अपने पास रखें तो हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट की क्या कुछ मंशा छीपीएस के पीछे ये तो वही जाने लेकिन ये अपील की गई है एक बड़ी अपील तमाम कर्मचारियों से और आपको बता दें हरियाणा में कई लाख सरकारी कर्मचारी हैं और उससे अगर एक कर्मचारी एक बार भी कैशलेस होगा तो कई लाख ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकती हैं जो कि कैशलेस होंगी और ये बड़ी भागीदारी निभाएंगे और कही न कहीं ना कहीं गिनती पूरी करेंगी ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई पीएम मोदी के आदेश के बाद इतने लोगों ने कैशलेस को जोर दिया और उसका हिस्सा बने पंजाब केसरी का रुख करते हैं और पीएम मोदी के बयान से कालाधन भ्रष्टाचार खात्मा मेरी पहली प्राथमिकता ये बात कही है पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि उन्होंने देश की व्यवस्था को कालाधन और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के काम को अपने एजेंडे में काफी ऊंचे स्थान पर रखा है मोदी ने साथ में यह भी कहा कि सरकार देश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के सृजन में तेजी लाने के प्रयास कर रही है और उन्होंने कहा है कि कालाधन और भ्रष्टाचार इन्हें रोक पाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी वहीं आपको यह बता दें कि आज पंद्रह तारीख है आज पंद्रह दिसंबर है और आज का दिन बहुत बड़ा आपके लिए एक खास दिन है क्योंकि आज पूरी तरह से 500 के नोट पर शटर डाउन हो जाएगा आज के बाद यह पुराना 500 का नोट कहीं भी नहीं चलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 15 दिन और दिए गए हैं कि अगर आपके पास अभी भी 500 के नोट बचे हैं तो आप फटाफट उसे फॉरन बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएं क्योंकि इसके अलावा आपके पास आज रात के बारह बजे के बाद से कोई विकल्प नहीं रहा है आज रात बारह बजेंगे और उसके बाद से पांच का नोट महज आपके पास एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा इसलिए जल्दी आज जिन जगहों पे वो चल सकता है उसे चला ले और नहीं तो फौरन पंद्रह दिन के अंदर उसे बैंकों में जमा करा दे क्योंकि आज के बाद पांच सौ के नोट की तमाम मियाद खत्म होने जा रही है इसके बाद ना किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ना ही किसी इस तरह की चीजों में वो कहीं भी इस्तेमाल में नहीं आएगा ये हम आपको बता दें बार बार जोर दे रहे हैं कि आज पंद्रह दिसंबर है और आज लास्ट डेडलाइन है पांच के नोट को लेकर देखिए एनबीटी खबर है करेंसी बैन हुई मर कौन रहा है आम आदमी कैश की कतार में पिता बीमार बेटे ने दम तोड़ा इससे भयावी है शायद कुछ और नहीं हो सकता आगरा का यह मामला है पैसे निकालने के लिए कई दिन से लाइन में लग रहे थे और अलीगढ़ में क्या हुआ है वो ये हुआ है कि इलाज के लिए नहीं निकाल सका पैसा और हो गई आखिरकार मौत जिला प्रशासन परिजन के दावों की जांच कर रहा है इलाज के लिए समय पर पैसे ना मिल पाने की वजह से मजदूर की मौत हो गई पुलिस ने बताया कि मजदूर शमीम पैतालीस साल का था ये और इसकी बीमारी के कारण मंगलवार को मौत हो गई है शमीम पिछले कई दिनों से बीमार था उसकी पत्नी रुखसाना इलाज के लिए रुपये निकालने से चार दिन तक लगातार बैंकों में जा रही थी लेकिन पैसे नहीं मिल पा रहे थे और आखिरकार क्या हुआ आखिरकार वही हुआ जिसका डर था बीमार हस्बैंड को अस्पताल में छोड़कर बीवी बैंकों की लाइन में लगी चार दिन तक अपने उसने कीमती समय दिया जो कि उसे अपने हस्बैंड के पास रहना चाहिए था लेकिन वो नहीं दे पाई जो कि चाहिए था यानी पैसा नहीं दे पाई और आखिरकार हाथ लगी मौत और मायूसी और आखिरकार आंसू ही नसीब बन गए तो नोटबंदी से पूरे देश में हाहाकार मचा है बुरा हाल मचा है और जब बात हो रही है नोटबंदी की तो ये खबर भी देख लीजिए हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव खबर है दोनों की दोनों फ्रंट पेज पर जगह दी गई है और सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है कि भारत में एक लाख लोगों पर मात्र बीस ए हैं भारत की स्थिति क्या है जो कि एक प्लास्टिक मनी पर जोर देते हैं एटीएम पर जोर दे रहे हैं कि एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारत में एक लाख लोगों पर कुल 20 ए टी है तो यानी एक ए के हिस्से में कई हजार लोग आते हैं अब जरा सोचिए कैसे पैसे निकाल पाएंगे और जबकि हालात यह है कि देश में महज तीस फीसदी ए फिलहाल काम कर रहे हैं अब जरा सोचिए एक एटीएम पर ऐसे में पंद्रह से बीस लाख लोगों का जोर आ जाता है तो कैसे पूरा हो पाएगा बैंक भी कम है तेरह दशमलव पांच पांच शाखाएं औषधन व्यावसायिक बैंक की भारत में एक लाख आबादी पर इसके उलट रूस और ब्राजील में यह संख्या क्रमशः बत्तीस दशमलव आठ तीन और बीस दशमलव छ सात है तो देखिए बैंक एम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बैंकिंग से लोगों को जोड़ना लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बने उनके पास जो कमाई है जो उनकी सेविंग्स हैं चाहे वो गरीब हो मजदूर हो या फिर किसान हो जो बैंक से नहीं जुड़ पा रहा है उन्हें बैंक से जोड़ना जनधन योजना में खाते खुलवाए गए और लाखों खाते भी खुले लेकिन स्थिति देखिए कि बैंक की इतनी कम संख्या है ऐसे में बैंक पर लोड बढ़ गया है लोग जुड़ गए हैं ज्यादा लेकिन बैंक बहुत कम है हालांकि बड़ा सवाल यह है कि कैसे आखिर काम चलेगा अगली खबर का रुख करते हैं आठ से दस कार्ड अमूमन लोग जेब में रखते हैं लेकिन कहीं बटवे में कार्ड का बोझ आपको बीमार ना कर दे एक सर्वेक्षण हुआ है यह सर्वेक्षण में सामने आया है कि जो लोग प्लास्टिक मनी का यूज कर रहे हैं अपने पर्स में वो अपना डेबिट कार्ड रखते हैं क्रेडिट कार्ड रखते हैं दो दो बैंकों के एटीएम कार्ड रखते हैं अपना पैन कार्ड अपने पर्स में रखते हैं तो इस तरह से करके एक आम आदमी के जेब में बहुत सारे कार्ड हो जाते हैं छ से सात कार्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से बटवे का बोझ बढ़ जाता है बटवा काफी मोटा हो जाता है और जब आप उस अपनी पैंट्स की बैक पॉकेट में रखते हैं उस वक्त ये बटवा आपको बीमार कर सकता है क्योंकि आधे घंटे अगर आप बटवे को जेब में रखकर एक ही पोज में बैठ जाते हैं तो उससे आपकी जो नसें हैं उन पर दबाव पड़ता है आपके पैर का रक्त संचालन रुक सकता है आपकी कोशिकाओं में ब्लड की जो एक संचालन हो रहा है वो रुक सकता है जिससे आपके आपको भारी समस्याएं हो सकती हैं यानी साइटिका की बीमारी बढ़ सकती है देश के नौजवानों में आजकल आप देख रहे हैं कि साइटिका की बीमारी बहुत बढ़ गई है और ये सब जो वजहें हैं इनमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो है जो बटवे का बोझ है तो कहना यह है कि बटवे को हल्का रखें और जब भी आप बैठे अगर आपका पर्स जो है आपका जो वॉलेट है वो काफी भारी है उसमें कैश है पेपर्स है प्लास्टिक कार्ड्स हैं तो आप उसे बैठते वक्त निकाल के बैठे या फिर उसे बैक पॉकेट के बजाय अपनी सामने वाली पॉकेट में रखें क्योंकि बैक पॉकेट में रखना एक गलत साबित हो रहा है यह भी एक रिसर्च में पता चला है रुक करते हैं अगली खबर का अगली खबर की बात है द हिंदू की खबर है और कर्नाटका एक्साइज मिनिस्टर मेथी रिजाइंस ओवरसीज टेप कल कर्नाटका के आबकारी मंत्री ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा दिया क्योंकि एक सेक्स स्कैंडल की जो सीडी सामने आई थी उस सेक्स स्कैंडल में इन्हें महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालात में देखा गया था जिसके बाद फुली एक्सपोज हो गए मिनिस्टर और आखिरकार इन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा देखिए बड़ी बात है कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं और मौजूदगी के अलावा वो बड़ा हिस्सा है लोकतंत्र का उनके पास बड़े बड़े पद हैं लेकिन पद की गरिमा को ताक पर रखकर जिस तरह से बड़े नेता सेक्स स्कैंडल जैसे घिनौने जुर्म का हिस्सा बन रहे हैं ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है रुक करते हैं हिंदू की एक और खबर का नजीब केस की के बात करते हैं जेएनयू का लापता छात्र नजीब जंग नजीब अहमद माफ कीजिएगा आज कहा है ये एक बड़ा सवाल बन चुका है हाई कोर्ट ऑर्डर सर्च बाय स्निफर डॉग्स हाई कोर्ट ने आदेश दिया है दिल्ली पुलिस को कि नजीब को ढूंढकर लाओ चाहे जैसे ढूंढ कर लाओ चाहे आपको जो एक खोजी कुत्ते होते हैं इनका जो डॉग स्क्वाड होती है इनकी मदद लेनी पड़े लेकिन मदद लो और नजीब को ढूंढ कर लाओ क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 40 से 50 दिन हो चुके हैं नजीब के गुमशुदगी को और आज तक इस छात्र की गुमशुदगी की वजह ना प, नहीं पता चल पाई है लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर नजीब जिंदा है भी कि नहीं या फिर नसीब नजीब की मौत हो चुकी है तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर जिंदा है तो कहां है और आखिर मौत हो चुकी है तो कैसे हुई और कहां हुई यह एक बड़ा सवाल है घरवालों के लिए भी और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए भी जेएनयू प्रशासन के लिए भी कि नजीब कहां गया नजीब को ढूंढ कर लाओ अमर उजाला का रुख करते हैं सीएम ने नोएडा को दी चार करोड़ की योजनाओं की सौगात देखिए इलेक्शन आने वाले हैं यूपी में और कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी 2017 में इलेक्शन हो सकते हैं और कल जिस तरह की ये बातें भी सामने आई थी कि यूपी में सात चरण में चुनाव होने की काफी मुमकिन है तो ऐसे में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं कि वो किसी ना किस तरह वोट बैंक में से माने और वोट बैंक को अपने हिस्से में करें ऐसे में सीएम अखिलेश भी भला कहां पीछे रहने वाले हैं हर रोज नई नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है परसों सातवां वेतन आयोग लागू किया तो कल नोएडा को बड़ी सौगात दे गए चार हजार तीन सौ सत्तावन करोड़ की योजनाओं की सौगात दी नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सीएम अखिलेश ने और आपको बता दें बार सीएम अखिलेश जो हैं वो विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमने विकास किया है और इस विकास का प्रभाव जनता पर पड़ा है और आप देखना अगले इलेक्शन में भी बाजी समाजवादी पार्टी मारेगी और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी सूबे के अंदर और ऐसे में विकास की जब बात होती है तो विकास में तमाम उन्होंने अपने काम गिनवा दिए चाहे वो मेट्रो लाइन हो दिल्ली में वो माफ कीजिए नोएडा में अंडरपास हो सड़कों का चौड़ीकरण हो सड़कों के नीचे से अंडरपास हो हो फ्लाईओवर्स हो तमाम चीजें गिनवाई हैं कि किन किन चीजों की सौगात दे दी बड़ी बात है कि करीब करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपए की सौगात है और कहीं ना कहीं सीएम अखिलेश नोएडा की तस्वीर बनने बदलने में काफी कामयाब भी साबित हुए हैं देखिए अब बात करते हैं एक और खबर की हिंदुस्तान टाइम्स की खबर थी इन फाइव ईयर्स, फाइव ईयर्स डबल इन कैपिटल दिल्ली में जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है और एक रिपोर्ट सामने आई है कि पिछले पांच साल में जो लोग दिल्ली में अप डाउन करते हैं उनका समय दोगुना हो गया है बढ़कर 2011 में एक घंटे 36 मिनट अगर किसी को कहीं जाने में लगती थी तो अब उन्हें तीन घंटे तिरालीस मिनट अपनी मंजिल तक पहुंचने में लग रही है जहां 2011 में जिन सड़कों पर 40 किलोमीटर की रफ्तार रहती थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा वो अब घटकर 2016 में 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है और आप देख सकते सीपी की तस्वीर दी है सीपी में अक्सर शाम को पांच बजे से लेकर सात बजे तक जो पीक आवर है उनमें यह हाल रहता है जहां गाड़ियां बसें इनकी लाइन लग जाती है और रेड लाइट्स बिल्कुल पॉइंट बन जाती है जाम का इसके अलावा इन्होंने कहा है कि पीक आवर्स में जो स्थिति है वो काफी भयावह हो जाती है और वजह ये भी है कि जिस तरह से दिल्ली में बीस परसेंट वाहन बढ़ चुके हैं पिछले पांच सालों में जो वाहन थे उनका बीस फीसदी पिछले पांच सालों में वाहनों की संख्या में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से जब सड़कें लिमिटेड हैं लेकिन वाहन बढ़ चुके हैं और अब यही वजह है कि दिल्ली लगातार जाम से जूझ रही है जो कि अपने आप में एक बड़ी परेशानी की बात है अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की और खबर है दैनिक जागरण से जुड़ी हुई साइबर सुरक्षा पर लीजन की सेंध लीजन क्या है आपको बता दें कि लीजन हैकर्स का एक समूह है जो पांच देशों से ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग और यही वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक किया था विजय माल्या का ट्विटर अकाउंट हैक किया कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट हैक किया वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त का भी ट्विटर अकाउंट इन्हीं ने हैक किया था और अब लीजन का यह दावा है कि हमने संसद के अकाउंट में सेंधमारी कर दी है हमने अपोलो हॉस्पिटल का अकाउंट हैक कर लिया है और जयललिता की मौत के पीछे की असली वजह का पता लगा लिया है और जिस वक्त हम खुलासा करेंगे आप लोग सकते पड़ जाएंगे कि आखिर जयललिता की मौत क्यों हुई कैसे हुई हॉस्पिटल ने किस तरह से इलाज किया जिसके बाद जयललिता की मौत हुई इन तमाम अकाउंट्स को हैक करके इन्होंने बड़े बड़े दावे किए इन्होंने कहा है कि हमने संसद का अकाउंट भी हैक कर लिया है हमारे पास दिल्ली पुलिस के कामकाज को लेकर किस तरह की कार्यप्रणाली है उसका पूरा डाटा मौजूद है और हमारे पास कई ऐसी इंफॉर्मेशन अब आ चुकी है हमारे हाथ लग चुकी है कि जिन्हें अगर हमने वायरल कर दिया तो देश में पैनिक क्रिएट हो जाएगा क्योंस क्रिएट हो जाएगा और बड़ा हंगामा हो जाएगा लोग सत्ते में पड़ जाएंगे और वहीं कहीं ना कहीं इसका ये भी कहना है ये हम आपको इसका छोटा सा एक स्टेटमेंट दिखाते हैं कि वी आर नॉट द हीरोज़ हम आपके हीरो नहीं हैं बल्कि वी लव टू स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट क्योर्स हमें मजा आता है इस तरह की चीजें फैलाने में जो कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है उन्हें उनका इंफॉर्मेशन पहुंचाने में और एक आपा क्रिएट करने में हमें मजा आता है इसलिए हम आपके हीरो नहीं हैं देखिए कि एक अजीब सनक है पागलपन है कि लोग ये काफी एक्सपर्ट हैं पढ़े लिखे लोग हैं जो कि पासवर्ड में सेंध मार जाते हैं और तमाम इंफॉर्मेशन अपने कब्जे में ले लेते हैं लेकिन इसमें कोई नहीं है कि अब ये क्रिमिनल बन चुके हैं जो लीजन एक समूह है इसमें बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग शामिल हैं लेकिन अब इन्हें एक क्रिमिनल्स के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इनका काम ही इतना शर्मनाक बन चुका है तो फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ ये हमने आपको चंद मिनटों में दिखा दिया कल फिर इसी वक्त आपके सामने हाजिर होंगे कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ लेकिन देश और दुनिया की तमाम पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारी वेबसाइट के साथ हमारी वेबसाइट है कॉम इसके अलावा आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं सिर्फ आपको करना क्या है यूट्यूब पर जाना है कोबरा पोस्ट टाइप करना है और नीचे तमाम वीडियोस आप हमारी देख सकते हैं दिन भर की कवरेज देख सकते हैं जैसे कि आप न्यूज चैनल्स पर देखते हैं तो आज की खबरों में बस इतना ही हमें दीजिए इजाजत नमस्कार